चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसा आपको कल बताया था, जैसा अभी हेडिंग डाला हुआ है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जिससे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस आपको करने में थोड़ी सी आसानी होगी और क्वेश्चन का अपन लेवल थोड़ा सा बढ़ा पाएंगे। तो प्रॉपर्टीज में दी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, पहली प्रॉपर्टी आपकी यह कहती है कि आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में के हर टर्म में कोई कांस्टेंट को ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, प्रोडक्ट कर दो या डिवाइड कर दो, रिजल्टिंग प्रोग्रेशन हमेशा एपी ही रहेगा। तो ये बात को मैं आपको लिख के बता रहा हूं। दी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, मैंने मान लिया फर्स्ट प्रॉपर्टी में, इफ ए वन ए टू ए थ्री आर इन एपी विथ कॉमन डिफरेंस, विथ कॉमन डिफरेंस डी, देन आप इन नंबर्स में कोई कांस्टेंट को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो। हर टर्म में सेम कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। कि हमने कोई नॉन जीरो नंबर ले लिया है और ये मैंने इस एपी के हर टर्म में ऐड किया है या फिर सब्ट्रैक्ट किया है, तो ये जो नंबर्स आपके बनेंगे डैश डैश डैश, दे आर ऑल्सो इन एपी। With common difference d plus minus k, तो common difference, sorry, with same common difference, with same common difference d. So this is our first property. कोई भी आप progression ले लो, उसमें कोई भी constant add करोगे तो रिजल्टिंग प्रोग्रेशन एक एपी एपी का एपी ही रहेगा और कॉमन डिफरेंस में भी कोई फर्क नहीं गिरेगा विद द सेम कॉमन डिफरेंस। जैसे मैं आपको 1 2 3 4 5 लूं और अब 1 2 3 4 5 में मैं 1 ऐड कर दूं तो 2 3 4 5 6 बन जाएगा। अब 2 3 4 5 6 भी एपी है और कॉमन डिफरेंस फिर से 1 का ही है। ठीक है, कोई भी प्रोग्रेशन आप ले सकते हो। यदि आप किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हर टर्म में कोई नंबर ऐड कर रहे हैं या फिर कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो रिजल्टिंग प्रोग्रेशन आल्सो आर इन एपी विद द सेम कॉमन डिफरेंस। जो गिवन प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस है वही का वही रहेगा। द सेकंड प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी नंबर बी, यदि मैं हर टर्म को किसी कांस्टेंट नॉन जीरो कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर देता हूं, के ए वन के ए टू के ए थ्री और इस तरीके से मैं लेके चला जाऊं एंड सो ऑन, तो ये भी एक एपी रहेगी, आर एन एपी, बट यहां पर विथ कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस अब आपका के टाइम्स ऑफ डी हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस भी उसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। हर टर्म को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। एक प्रोग्रेशन आपने एपी लेनी है, जैसे वही 1 2 3 4 5 ले लो और 1 2 3 4 5 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो फिर वो 5 10 15 20 25 हो जाएगा। और 5 10 15 20 25 ये भी एक एपी है, बट यहाँ पर आप देख रहे हो कॉमन डिफरेंस जो है पहले 1 था अब 5 हो गया, तो कॉमन डिफरेंस भी उतने ही टाइम्स हो जाता है। एंड सिमिलरली एलजेब्रा का लास्ट साइन, व्हेन वी डिवाइड ईच नंबर बाई विद द सेम कॉन्स्टेंट के, नॉन जीरो कॉन्स्टेंट के, याद रखें के यहाँ पर नॉन जीरो नंबर हम ले रहे हैं, जीरो नहीं लेना है। तो ये जो टर्म्स आएंगे, दीज टर्म्स आर ऑल्सो इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विथ कॉमन डिफरेंस। अब की बार जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो आपका हो जाएगा डी बाई के, कॉमन डिफरेंस भी उसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जब आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो कॉमन डिफरेंस भी उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या फिर कॉमन डिफरेंस भी उसी सेम नंबर से डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसको नोट करिए आप।
कोई डाउट है इसमें आपको तो पूछ लीजिए। सर हाँ बोलो बेटा। सर पहली बात एक बार रिपीट करिए ना। कोई भी नंबर कांस्टेंट, के इज एनी कांस्टेंट, किसी प्रोग्रेशन के हर टर्म में मैंने कोई नंबर ऐड या फिर सबट्रैक्ट किया है तो जो रिजल्टिंग प्रोग्रेशन अब निकल के आएगा ये फिर से एपी रहेगा, और कॉमन डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं गिरता, कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। जैसे मैं आपको कोई प्रोग्रेशन 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा कोई प्रोग्रेशन ले लेता हूँ, अब इसके हर टर्म में मैं 3 ऐड कर रहा हूँ, इसमें 3 ऐड करो, इसमें 3 ऐड करो, इसमें 3 ऐड करो, 3 ऐड करो, 3 ऐड करो, तो आप देखोगे कि ये प्रोग्रेशन भी एपी, कोई नंबर मैंने ऐड किया। और यदि आप कोई नंबर सबट्रैक्ट कर दो, यदि 3 मान लो मैं सबट्रैक्ट कर देता हूँ, 3 सबट्रैक्ट करोगे, 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 तो आप देख रहे हो ये भी एपी है। इसका कॉमन डिफरेंस 1 था, इसका भी 1 है और इसका भी 1 ही है, तो कॉमन डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं गिरता। समझ गया हिमांशु? हाँ सर, थैंक यू। और इसका यूटिलाइजेशन एक क्वेश्चन में देखो, ये प्रॉपर्टी का तो क्वेश्चन ये है कि इस ए बी सी आर एन ए पी क्वेश्चन क्या, रिजल्ट लिख लो आप एज अ आप रिजल्ट लिख सकते हैं या एज अ क्वेश्चन लिख सकते हैं। मैं इसको क्वेश्चन बना देता हूं। इस प्रॉपर्टी का बेस क्वेश्चन ऐसा है कि इफ ए बी सी आर इन ए पी देन शो दैट वन अपॉन बी सी, वन अपॉन ए सी, वन अपॉन ए बी ऑल्सो आर इन। सॉल्यूशन केवल इतना सा है, ए बी सी एपी में है। अब आप हर नंबर को ए बी सी से डिवाइड कर दीजिए, तो ना डिवाइड बाय ए बी सी, डिवाइड ईच टर्म बाय ए बी सी, यदि आप इसको ए बी सी से डिवाइड करोगे तो वन अपॉन बी सी बचेगा, वन अपॉन सी ए बचेगा, वन अपॉन ए बी बचेगा, और आप इसको बोल सकते हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऊपर आपने प्रॉपर्टी पढ़ी, खत्म हो गया क्वेश्चन। दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ क्वेश्चन। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि एपी के हर टर्म को किसी नंबर से डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड या सबट्रैक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एपी पहले भी एपी थी और अभी भी एपी रहेगी। नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीन शॉट मारिए। दिस इज अवर प्रॉपर्टी नंबर 1। नाउ वी मूविंग ऑन टू द सेकंड प्रॉपर्टी। नाउ तो सेकंड प्रॉपर्टी अब लिखेंगे अपन। प्रॉपर्टी नंबर 2, इन ए फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फाइनाइट का मतलब एपी में नंबर ऑफ टर्म्स काउंटेबल है, फाइनाइट है, तो इन ए फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन द सम ऑफ टू टर्म्स विच आर इक्विडिस्टेंट from
the beginning and last is constant and is equal to sum of first and last term. So this is our second property. किसी भी arithmetic progression को आप ले लीजिए, उस arithmetic progression में equidistance terms का जो sum है वो हमेशा constant होता है, मतलब fix होता है, और वो जो constant की value आती है वो sum of first and last term के बराबर आती है. जैसे for example आप बड़े easily कैसे भी progression में इसको verify कर सकते हैं. मैं बड़ी सिंपल सी प्रोग्रेशन अपनी ले लेता हूं 7, 8, 9, और अब आप इसमें देखें 2 और 8 का सम 10 आता है, 3 और 7 का सम भी 10 आता है, 4 और 6 का सम भी 10 आता है, और 1 और 9 का सम भी 10 आता है. इक्विडिस्टेंस का मतलब यह हुआ कि बिगिनिंग से सेकंड और लास्ट से भी सेकंड टर्म लिया, तो सम ऑफ टू टर्म विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द लास्ट is constant and is equal to sum of first and last term. शुरू से और अंत से जो दो term होंगे उनका जो sum है वो हमेशा constant आएगा, वो हमेशा fix आएगा, और हमेशा वो sum of first and last term के बराबर होगा. मतलब हमको question में जैसी requirement होगी, मेरे को 1+9 नहीं चाहिए होगा तो मैं 1+9 की जगह 2+8 लिख सकता हूँ, मेरे को 2+8 रिक्वायर्ड नहीं होगा तो मैं उसकी जगह 3+7 लिख सकता हूँ, ये रिक्वायर्ड नहीं होगा तो मैं उसकी जगह 4+6 लिख सकता हूँ. ये एपी की खासियत है, इक्विडिस्टेंस टर्म्स का सम हमेशा सेम आता है. ठीक है, दिस इज अवर प्रॉपर्टी, और आपको कोई इस प्रॉपर्टी में डाउट लग रहा है तो आप पूछिए, अदरवाइज एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं इस प्रॉपर्टी पे आपके साथ अब डिस्कस कर रहा हूँ. तो इफ यू हैव एनी डाउट इस प्रॉपर्टी में तो पूछ लीजिए, अदरवाइज एक क्वेश्चन का आंसर करें. The question is, if A1, A2, A3 up to A24, they are in arithmetic progression such that, और इस तरीके से है ये arithmetic progression में कि A1 + A5 + A10 + A15 + A20 + A24, ये आपको 225 गिवन है. A1, A5, A10, A15, A20, A24, 225, देन यू हैव टू फाइंड. तो आपको बताना है कि A1 + A2 + A3 up to A24 इसका वैल्यू कितना आएगा, और आपके ऑप्शंस हैं, क्या ये 720 आता है, क्या ये 800 आता है, या फिर ये 900 आता है, या फिर 200 आता है. विच वन इज करेक्ट? ओके, वंश वाक करेक्ट है, वेरी गुड वंश. वंश पहले सवाल किया था क्या अभी? यस सर, पहले किया था, तभी समझ गए देखते. अर्जुन पाली, अर्जुन पाली का आंसर भी करेक्ट है. अर्जुन पाली पहले सवाल किए हो क्या, अभी सवाल किए हो? नहीं सर, पहले सवाल नहीं किया, लेकिन समझ में आ गया अभी. ओके, चलिए, वेरी गुड. ऋषभ बोधे करेक्ट है. ऋषभ बोधे पहले कि अभी? पानी, कैसी आवाज निकाल रहे हो? हाँ, पहले सवाल किया अभी? हेलो, योर वॉइस. ओके, हेलो, हाँ बोलो बोलो महाराज.
ओके पहले नहीं किया ऐसा बोल रहे हैं। ओके ओके बोल रहे हैं पहले नहीं किया, अभी अभी सॉल्व किया है, अभी क्लिक हुआ, तो बाकी बच्चों से भी एक्सपेक्टेड है अभी क्लिक होना चाहिए। अरमान बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। ओके अश्लीषा करेक्ट है, वेरी गुड अश्लीषा। बच्चों को समझ में आता जा रहा है और आंसर करते जा रहे हैं। मानसी करेक्ट है, वेरी गुड। आयुष नाकाड़े, हिमांशु, आंचल, अन्वेषा, अक्षर, विवेक, कहाँ है सबके आंसर भाई? ओके आयुष करेक्ट है। सर करेक्ट है। हाँ तुक्का लगाए क्या? नहीं सर। अच्छा आयुष नकाड़े बेटा चेक करो, दिस इज रॉन्ग आंसर। ओके ठीक है ऋषभ, सेजल पाटिल करेक्ट है, और डी ऑप्शन किसने लिखा है भाई, कौन है? अथर्वा चेक करो। ओके हियर वी डिस्कस दी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, आधा मिनट और दीजिए मेरे को, उसके बाद अपन इसको डिस्कस करेंगे। जब तक एक आध कोई और बच्चा है हिमांशु आंसर करना चाहे प्रणव, हिमांशु करेक्ट है, अन्वेषा भी करेक्ट है। ओके चलिए हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, लास्ट आंसर अन्वेषा का है, करेक्ट आंसर 900, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, और सॉल्यूशन केवल ये है ऊपर वाली प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। आप ये देखो ये जो टर्म है ये इक्विडिस्टेंस है, ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, ये बिगनिंग से फिफ्थ टर्म है, ये लास्ट से फिफ्थ टर्म है, ये बिगनिंग से टेंथ टर्म है, ये लास्ट से टेंथ टर्म है। तो अकॉर्डिंग टू अवर दिस प्रॉपर्टी आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, अब मैं हटा रहा हूं इसको, रब कर रहा हूं, तो बाय दिस प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ये बनता है, सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कि आपका जो a 10 प्लस a 15 है इसका जो सम आएगा वो a 5 प्लस a 20 के बराबर आएगा, और इन दोनों का जो सम है वो a 1 प्लस a 24 के बराबर आएगा। तीनों बिल्कुल बराबर होंगे क्योंकि इक्विडिस्टेंस के सम बिल्कुल इक्वल होते हैं। एंड नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन, अब इस इक्वेशन में इसकी जगह पर a1 प्लस a10 लिख दो, इन दो की जगह भी a1 प्लस a10 लिख दो, सॉरी a1 प्लस a20 4 लिख दो, सो देयरफॉर फ्रॉम दिस इक्वेशन दिस बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ a1 प्लस a24।
225, a1 प्लस a24 तो रहने दीजिए as such, a5 और a20 के सम की जगह पे भी a1 प्लस a24 लिख दो और इसकी जगह भी ये लिख दो, तो ये तीन बार बन जाएगा और इस तरीके से हमको फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम मिल जाता है 75. एंड वंस वी गेट सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म तो अपन ये जानते हैं, देयरफोर एस 24 सम ऑफ 24 टर्म्स a1 प्लस a24 होगा, तो इट इज 12 इंटू 75 विच इज 900. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस. को नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. मूविंग ऑन टू दी अवर थर्ड प्रॉपर्टी, अन्वेषा का लास्ट आंसर करेक्ट है. थर्ड ऑप्शन 900 आता है और इस तरीके से अप्रोच करेंगे. और मूविंग ऑन टू दी अवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नोट करिए जल्दी से. चलिए थर्ड लिखेंगे प्रॉपर्टी. एनी टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज the arithmetic mean of two terms which are equidistant from it. केवल पहले टर्म को छोड़ दिया जाए तो हर टर्म अपने से दो इक्विडिस्टेंस टर्म्स का अरिथमेटिक मीन होता है. दिस इज अवर थर्ड प्रॉपर्टी. मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं आपको. अपन अपना वही प्रोग्रेशन ले लेते हैं. दैट मीन्स एनी टर्म ये मैंने लिखा है, ये मैंने इन जनरल लिख दिया. यहां पर k की वैल्यू n से छोटी आप लोग है ना, कोई भी टर्म उससे दो इक्विडिस्टेंस टर्म्स का हमेशा सम होगा और उसका जनरलाइज्ड वर्जन ये है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी तक जो प्रोग्रेशन ले रहा था वही ले लेता हूं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पहला छोड़ देते हैं. तो अब आपका ये जो नंबर दो है, ये नंबर दो इससे इक्विडिस्टेंस टर्म मतलब वन और थ्री का अरिथमेटिक मीन होता है. आप करके देख लीजिए, 1 + 3/2 आएगा. ऐसे यदि आप तीन की बात करेंगे तो 3, 2, और 4 का अरिथमेटिक मीन है और 3 ऑल्सो दी अरिथमेटिक मीन ऑफ 1 और 5. 1 और 5 का भी अरिथमेटिक मीन होता है. यदि आप बात करें नंबर चार की तो नंबर चार इज दी अरिथमेटिक मीन ऑफ 3 + 5/2, 3 और 5 का. Also, it is the arithmetic mean of 2 and 6. Also, it is the arithmetic mean of 1 and 7. 1 और 7 का भी arithmetic mean होगा. ऐसे ही आप देखोगे 5, हर term. तो इस तरीके से आप देख सकते 5, 4 और 6 का भी होगा, 3 और 7 का भी होगा, 2 और 8 का भी होगा और 1 और 9 का भी होगा. तो इस तरीके से आप चलते चले जाएं. एक्सेक्ट्रा करके मैं लिख देता हूं. तो ये मैंने लिखा है प्रॉपर्टी. केवल फर्स्ट टर्म नहीं होता, क्योंकि फर्स्ट टर्म सबसे पहला टर्म है, इक्विडिस्टेंस टर्म्स आपको मिलेंगे नहीं.
तो पहला टर्म छोड़ के और मैं नाइन के आगे डैश 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 लगाया हूँ ना, तो एवरी टर्म ईच टर्म इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू टर्म्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट। इस तरीके से मैंने ये प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया आपको, देख लीजिए अभी कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। दिस इज अवर थर्ड प्रॉपर्टी, स्क्रीनशॉट मारिए इसका। मूविंग ऑन टू द फोर्थ प्रॉपर्टी, चलिए अब लिखेंगे अपन फोर्थ। इसमें आई होप आपको कोई डाउट नहीं है, आप समझ गए। फोर्थ प्रॉपर्टी लिखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर चार। गेट लगा दो। खाना गेट लगा दो। प्रॉपर्टी नंबर फोर, इन ए फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन containing odd number of terms containing odd number of terms the sum of all terms is equal to number of terms into middle term. So this is our next property. यदि कोई अपन arithmetic progression ले तो उस arithmetic progression में फाइनाइट होना चाहिए, कंटेनिंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट, और नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होने चाहिए। ये ऑड के लिए वैलिड रिजल्ट है। यदि उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो फिर आप सारे टर्म्स का सम निकाल सकते हो। यदि आपको केवल मिडिल टर्म दे दें, मिडिल टर्म में नंबर ऑफ टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो, देन यू गेट सम ऑफ ऑल दी नंबर्स। किसी जैसे अपन वही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का बात कर लेते हैं, तो आप जानते हो 1 से लेकर 9 तक नेचुरल नंबर का सम 9 × 10/2 होता है, और 9 × 10/2 = 45, तो सम 45 आता है। 1 से लेकर 9 तक का नंबर का सम 45 आता है, और ऑल्सो वी नो दैट द मिडिल टर्म इज 5। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में मिडिल टर्म 5 है और नंबर ऑफ टर्म्स 9 है, और 9 × 5 = 45 होता है। ये वही लिखा हुआ है, मिडिल टर्म 5, नंबर ऑफ टर्म्स 9, 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब नंबर ऑफ टर्म जब मिडिल टर्म से मल्टीप्लाई कर दोगे देन यू गेट द सम ऑफ ऑल टर्म। तो मैं यदि किसी फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स आपको ऑड देता हूं और उसके मिडिल टर्म्स केवल मिडिल टर्म दे देता हूं, तो मेरे को फर्स्ट टर्म की गरज नहीं है, मेरे को कॉमन डिफरेंस की जरूरत नहीं है। विदाउट फर्स्ट टर्म, विदाउट कॉमन डिफरेंस, व्हेन बी गिवन दैट द मिडिल टर्म गिवन है आपको बस, तो मिडिल टर्म दिया ही इसलिए गया है कि मिडिल टर्म को नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई करो, देन यू गेट द सम ऑफ ऑल द नंबर्स। तो देख लीजिए कोई डाउट है आपको तो पूछ लीजिए इसमें प्रॉपर्टी में। पांचवा प्रॉपर्टी देखें, if number of terms of a finite arithmetic progression finite arithmetic progression
is even, then arithmetic mean of middle two terms is equal to arithmetic mean of first and last term. तो आप जानते हो यदि number of terms even होंगे किसी progression में तो दो middle term आएंगे, उन दोनों middle term का जो arithmetic mean आएगा वही first और last term का भी arithmetic mean आता है. तो middle two terms का arithmetic mean is equal to the arithmetic mean of first and last term. तो यदि number of terms even होंगे तो फिर ये खासियत होती है उसमें. ये प्रॉपर्टी को नोट करें. और बिल्कुल इसी से मिलती जुलती एक और प्रॉपर्टी इसी का भाई, यदि मैं अब ये बोल दूं कि फिर से इफ नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ए फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज odd, then middle term is the arithmetic mean of first and last term. What basic properties hain aur easily verify ho jati hain, इसलिए कहीं वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है इनमें. यदि नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे तो एक ही मिडिल टर्म होगा और वो जो मिडिल टर्म है वो पहले और लास्ट टर्म का अरिथमेटिक मीन आता है. जैसे आप वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले लें तो उसमें मिडिल टर्म 5 आता है और 5 1 और 9 का अरिथमेटिक मीन भी है. ठीक है, तो ये है 4 5 6, नोट कर लीजिए. कोई डाउट है 4 5 6 में तो पूछ लीजिए, स्क्रीन शॉट लीजिए इसका, take the free shot. Moving on to the next property, chaliye I hope le liya aapne. Chalte hain agli property ki taraf. Ye kaun sa na bahar ho gaye the kya. Chaliye property number 7, hello, koi kuch bola kya? सेवेंथ प्रॉपर्टी देखिए, इफ ए वन ए टू अप टू ए एन एंड बी वन बी टू बी एन आर टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस देन ए वन प्लस माइनस बी वन करस्पॉन्डिंगली एड कर रहा हूं फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सेकेंड टर्म को सेकेंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सेकेंड टर्म से एड किया और इस तरीके से मैं एड करते चला जाऊं तो ये जो आपकी बनेगी दे आर ऑल्सो इन एपी, ये भी एक एपी फॉर्म करेंगे विथ कॉमन डिफरेंस d1 plus minus d2 where d1 and d2 are common difference of first and second arithmetic progressions respectively. So this is our नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि अभी आप दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड कर दें. पहले में पहला करस्पॉन्डिंगली ऐड करना, बस पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा ऐड करो या सब ऐड करो तो जो रिजल्टिंग प्रोग्रेशन आएगी वो भी एपी होगी.
और उनका कॉमन डिफरेंस यदि आप ऐड कर रहे हो तो डी वन प्लस डी टू आएगा, और यदि सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो कॉमन डिफरेंस डी वन माइनस डी टू आएगा। जैसा आप करोगे वैसा ही उनका कॉमन डिफरेंस बनेगा। ऐड करने पे कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पे कॉमन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो नोट कर लीजिए, अगेन बहुत बेसिक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 7। नेक्स्ट, अब ये दो बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टी नंबर 8। इफ tn tn प्लस 1 एंड tn प्लस 2 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन, ये आपको मैंने बताया था ऐसा होता है, तीन कोई भी लगातार टर्म आप ले लो उनमें हमेशा ये रिजल्ट वैलिड होगा कि मिडिल टर्म का 2 टाइम्स सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट आएगा। ये मिडिल टर्म बनेगा, इसमें इसको डबल कर दिया तो 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, और इसी से मिलता जुलता ये जो रिजल्ट था वो अपन ने पहले लिख लिया था कि इफ ए बी सी दे आर इन एपी, वही तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स हमने माने हैं, दे आर इन एपी, देन यहां पे भी आपने लिखा था कि 2b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी, मिडिल टर्म का 2 टाइम्स सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट होता है। तो ये उसी का और पर्टिकुलर केस हो गया, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 8th और 9th प्रॉपर्टी, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। बेसिक रिजल्ट अगेन सर। हाँ बोलो बेटा। सर वो जो 7th पॉइंट है ना, उसका जो लास्ट वाला मतलब वो जो लास्ट थर्ड लाइन है सर, वो थोड़ा सा एक बार बता दो। ये सर लास्ट थर्ड, हाँ मतलब वो तीन और लाइन। भाई लास्ट थर्ड बोलो या शुरू से थर्ड बोलो, दोनों के। तो यदि आप ये दो एपी हैं इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करते हो, मतलब पहले में पहला टर्म ऐड करो, दूसरे में दूसरा ऐड करो, लास्ट में लास्ट ऐड करो, तो जो आपको प्रोग्रेशन मिलेगा वो एपी मिलेगा और उसका कॉमन डिफरेंस डी वन प्लस डी टू होगा। और यदि आप सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा और लास्ट में लास्ट, करस्पॉन्डिंगली सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी प्रोग्रेशन एपी रहेगा और उसका कॉमन डिफरेंस जो है वो डी वन माइनस डी टू रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कॉमन डिफरेंस मिलते हैं डी वन प्लस डी टू या डी वन माइनस डी टू, ये डिपेंड करेगा आप ऐड कर रहे हो कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। यदि करस्पॉन्डिंगली ऐड कर रहे हो तो कॉमन डिफरेंस रिजल्टिंग प्रोग्रेशन का डी वन प्लस डी टू आएगा, यदि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो कॉमन डिफरेंस रिजल्टिंग प्रोग्रेशन का डी वन माइनस डी टू आएगा, ठीक है। ये बताया था, नोट कर लीजिए अभी, और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए, सो नाउ वी मूविंग ऑन टू द लास्ट प्रॉपर्टी, 10th प्रॉपर्टी, 10वां रिजल्ट और लिख लें। हटा दो इसको, लिखिए 10th प्रॉपर्टी। Sir, if terms of AP are chosen at regular interval, then they form an arithmetic progression।
ये अपनी लास्ट प्रॉपर्टी। हाँ बोलो, अभी क्या बोल रहे थे? हेलो, कौन बोल रहा था? मयूर था क्या? हेलो, आवाज नहीं आ रहा मयूर, कौन बोल रहा था अभी? अरे सल्फर करके चुप हो जाते हो। हमें तीन कॉन्सेक्यूटिव हेलो टर्म दी रहे। मयूर आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा बिल्कुल सर। लिख दो तुम, तुम्हारी वॉइस बिल्कुल भी नहीं आई मेरे को, टर्म सुनाई दिया बस मेरे को। So this is our 10th property. If terms of AP are chosen at regular interval, then they form AP. यदि आप बिल्कुल बराबर बराबर अंतराल पे terms को choose करेंगे, तो भी आपको जो progression बनेगा, वो arithmetic progression बनेगा। मतलब मैं कोई AP लूँ और उस AP में तीन तीन terms छोड़ के कोई term उठाऊँ, पहला उठाऊँ, फिर तीन छोड़ दूँ, फिर उठाऊँ, फिर तीन छोड़ दूँ, फिर उठाऊँ, तो जो आपको terms मिलेंगे वो भी एक AP form करेंगे। ठीक है, सो ये है। हाँ अभी अपन सपोजिशन ऑफ टर्म्स में इसको बताएंगे, एक और हेडिंग में आपके साथ डिस्कस करूंगा। व्हेन वी हैव टू सपोज टू टर्म्स इन एपी, व्हेन वी हैव टू सपोज थ्री टर्म्स इन एपी, व्हेन वी हैव टू सपोज फोर टर्म्स इन एपी, पांच लेना हो, छह लेना हो, सात लेना हो, आठ लेना हो, दस लेना हो। यदि आपने एपी में odd number of terms suppose करने हैं, if you have to suppose odd number of terms in arithmetic progression, किसी भी AP में odd number of terms suppose करने हैं, तो एक term suppose करनी है तो आप उसको A लीजिएगा। यदि एक से तीन बनाना है तो आपने middle term A लिखा, उसमें D add कर दो और D subtract कर दो। ठीक है, ये odd number of terms के लिए supposition है। तो ये heading मैं आपके साथ अभी discuss करता, चलिए खैर लिख लीजिए। When we have to suppose odd number of terms in arithmetic progression, तो यदि आपको एक term suppose करना है तो आप A लेंगे, यदि आपको तीन term suppose करने हैं तो आप A minus D, A और A plus D लेंगे। ये तीन से पांच करना है तो एक D इसमें और subtract कर दो और एक D आप add कर दो, both side, ये पांच हो गए। बस पांच से सात बनाने हैं तो इधर डी ऐड कर देना, इधर डी सबट्रैक्ट कर देना, तो ये पांच से सात बन जाएंगे। मतलब जब नंबर ऑफ टर्म्स आपको ऑड सपोज करने हैं, व्हेन वी हैव टू सपोज ऑड नंबर ऑफ टर्म्स और इस तरीके से एटसेट्रा लिख देते हैं अपन। तो ये अपनी हेडिंग तैयार होगी। यहां पर मैंने टर्म्स ले लिए और यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स लिखे हैं। तो यदि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लेने तो ऐसे लेंगे। यदि आपके नंबर ऑफ टर्म्स आपने इवन कंसीडर करने, इफ वी हैव टू सपोज इवन नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर अपन टर्म्स ले लेते हैं। अब इवन में आप दो लोगे, चार लोगे, छह लोगे, तो यदि आपको दो टर्म सपोज करने हैं तो वो दो टर्म हम लेते हैं ए माइनस डी और ए प्लस डी। दो से चार करना है तो यहां टू डी सब्ट्रैक्ट करेंगे, टू डी ऐड करेंगे, मतलब ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी। चार से छह करने हैं तो और टू डी सब्ट्रैक्ट कर दो, ए माइनस फाइव डी, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी और ए प्लस फाइव डी एटसेट्रा। तो ये जो अपनी हेडिंग है, दिस इज अवर सपोजिशन ऑफ टर्म्स। जब आपको किसी प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ टर्म सपोज करने हैं तो हम इस तरीके से नंबर ऑफ टर्म सपोज करेंगे। मतलब
जो आपको ध्यान में रखना है वो एक बात ये है कि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के केस में मिडिल टर्म एक होता है, एक ही मिडिल टर्म है आप देखो, और जब इवन नंबर ऑफ टर्म सपोज करने हैं तो दो मिडिल टर्म होते हैं, ये भी बीच में है, ये भी बीच में है और ये भी बीच में है। ऑड नंबर ऑफ टर्म सपोज करने तो एक मिडिल टर्म होगा, इवन नंबर ऑफ टर्म्स में दो मिडिल टर्म होंगे। जब ऑड नंबर ऑफ टर्म सपोज करने हैं तो कॉमन डिफरेंस सिंगल डी का होता है, कॉमन डिफरेंस डी होता है, मतलब इस मिडिल टर्म में मैं डी एड और डी सबट्रैक्ट कर दूंगा तो तीन बन जाएंगे, फिर ये तीन से पांच करना है तो और डी ऐड कर दो और डी सबट्रैक्ट कर दो तो ये पांच हो गए, सात करना है तो डी ऐड कर दो डी सबट्रैक्ट कर दो तो नौ हो जाएंगे, सात हो जाएंगे नौ, डी डी ऐड करते जाओ, सिंगल डी का कॉमन डिफरेंस होता है, वो ऐड और वो सबट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो दो मिडिल टर्म होते हैं और कॉमन डिफरेंस भी टू डी का होता है, यहाँ पर देखो इसमें से इसको सबट्रैक्ट करोगे तो टू डी आएगा, तो टू डी का कॉमन डिफरेंस है इसलिए दो से चार करने हैं तो 2d ऐड किया और 2d सबट्रैक्ट किया, फिर 2d इसमें ऐड किया और 2d इसमें सबट्रैक्ट किया एंड सो ऑन चला जाएगा। तो आप इसको हिंट के तौर पे लिख सकते हो, दो मिडिल टर्म कॉमन डिफरेंस 2d, एक मिडिल टर्म कॉमन डिफरेंस d, ठीक है, ये सपोजिशन ऑफ टर्म्स है, कभी जरूरत पड़े आपको तो आप इस तरीके से सपोज करेंगे। तो नोट कर लीजिए ये टेंस प्रॉपर्टी और सपोजिशन ऑफ टर्म्स, और इस पूरी हेडिंग में कहीं भी कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए अभी। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट मारिए, ये अपनी प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 10 प्रॉपर्टी अपन ने डिस्कशन करी, और सपोजिशन ऑफ टर्म्स की ये हेडिंग है, ठीक है, और ये दोनों हेडिंग को मिला के आपको अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ओवरऑल अब ये आपके जितने भी कंसेप्ट आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़े हैं इन एपी पर बेस अपन कुछ क्वेश्चन अब कल करेंगे ओवरऑल, तो आप पूरा एक बार रिवाइज कर लीजिए। आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि ऑल, गुड इवनिंग, बाय सर, बाय एवरीवन, बाय सर, बाय बाय सर, बाय बाय।